सवाल की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट फॉरवर्ड लिमिटेड कॉरपोरेशन टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2020 एंड स्टेट बाय व्हेन दिस शुड बी पेड. योर आंसर शुड क्लियरली आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ एनी गेन दैट हैव बीन रोल्ड ओवर. कैपिटल अलाउंसेस शुड बी इग्नोर्ड. 7 marks. सो बेसिकली कॉर्पोरेट टैक्स लायबिलिटी का सवाल है इंक्लूडिंग द सीजीटी एलिमेंट. Forward Limited sold the following assets during the year ended 31st March 2020. On 31st May 2019, Forward Limited sold a freehold office building for 2,90,000. The office building had been purchased for 15 July for 1,58,000. So gain aa jayega. Assuming the indexation factors are as follows. So indexation factor July 98 se May 2009 relevant. जुलाई 98 से दिसंबर 17 ये भी सही है, रेलेवेंट हो सकता है. ऊपर वाला रेलेवेंट नहीं होगा क्योंकि ये 17 से बाहर निकल गया, इररेलेवेंट. फॉरवर्ड लिमिटेड परचेज्ड अ रिप्लेसमेंट बिल्डिंग ऑन 1st जून 2019. अगर इसने विद इन अ क्वालिफाइंग पीरियड खरीद लिया सो रोल ओवर रिलीफ मिल सकता है 2,60,000 का. बिल्डिंग बेची थी इसने 2,90,000 की, लेकिन इसने खरीदी कितने की है 2,60,000 की, तो इसके ऊपर रोल ओवर क्लेम किया जा सकता है. ऑन 30th November 2019 फॉरवर्ड लिमिटेड सोल्ड 5,000 शेयर्स इन बैकवर्ड पीएलसी फॉर 62,500. शेयर्स एंड ओरिजिनली परचेज्ड इन बैकवर्ड पीएलसी फॉर 18,000. उसके बाद कंपनी ने फर्दर 500 शेयर्स एक्वायर किए एज्यूमिंग द इंडेक्सेशन फैक्टर्स आर एज फॉलोस. ये इंडेक्सेशन फैक्टर्स दिए हुए हैं. अगेन This one is irrelevant क्योंकि दिसंबर 17 से ज्यादा है. Forward Limited ने has never occupied more than 1% shares in backward PLC. Forward Limited purchased 10,000 ordinary shares in Sideway PLC on 1st December 2019 for 65,000. So अच्छा ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने क्यों दी भी आई डोंट नो. वेयर पॉसिबल फॉरवर्ड लिमिटेड हैज क्लेम्ड टू रोल ओवर एनी गेन अराइजिंग. फॉरवर्ड लिमिटेड ओनली अदर इनकम फॉर द टैक्स ईयर इज टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ 78,000. देयर आर नो रिलेटेड 51% ग्रुप कंपनी. सो पहले तो हम इसके अंदर जो सीजीटी वाला एलिमेंट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर कॉर्पोरेट टैक्स लाइबिलिटी की कैलकुलेशन पे हम जाएंगे और कॉर्पोरेट टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले रोल ओवर रिलीफ वाला जो पार्ट है फ्री होल्ड ऑफिस बिल्डिंग. सो फ्री होल्ड बिल्डिंग इसका गेन निकाल लेते हैं पहले. तो सेल प्रोसीड हमारे पास आई 2,90,000. इसकी एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास थी 1,48,000. सो 52,000 प्लस 90,000 सो 1,42,000 का अनइंडेक्स्ड गेन आ गया. इसको हम कह देते हैं अनइंडेक्स्ड गेन 1,42,000 का. अब हम इस पे इंडेक्सेशन लगाएंगे. तो इंडेक्सेशन का जो टाइम बनता है वो बनता है 15 जुलाई 1998 से लेकर मार्च 31st में 2019. लेकिन वो फ्रीज का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट के ऊपर जो रेट लगेगा वो रेट लगेगा 0.706 रादर देन 0.755. सो इंडेक्सेशन अलाउंस हमारे पास कितना आ जाएगा. इंडेक्सेशन के बाद हमारा गेन बिफोर रिलीफ आ जाएगा. So indexation allowance is 104,488 and gain after indexation 37,512. अब हमें rollover check करना. So rollover check करने के लिए हमें देखना ये पड़ेगा कि हमारी जो sale proceed है वो कितनी थी और reinvestment हमने कितनी की, time frame ठीक था नहीं था, कितना था, qualifying asset था या नहीं था.
हमारे पास जो सेल प्रोसीड आई थी, सेल प्रोसीड जो हमारे पास आई थी दैट इज 2,90,000, और री इन्वेस्टमेंट जो हमारा अमाउंट हुआ था दैट इज 2,60,000. इसका मतलब पार्शियल री इन्वेस्टमेंट है. अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल करवाई थी, 30,000 नॉट री इन्वेस्टेड. वॉट टू डू? 30,000 नॉट री इन्वेस्टेड. तो इसको हम कंपेयर करते हैं और लोअर ऑफ वैल्यू की तरफ जाते हैं, और जो लोअर ऑफ होता है वो इमीडिएटली चार्जेबल हो जाता है. सो गेन बिफोर रिलीफ 37,512 एंड 30,000. सो लोअर ऑफ में 30,000 इज चार्जेबल इमीडिएटली. सो यहां हमने 30,000 लिखा, चार्जेबल इमीडिएटली. तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो क्या बन जाएगी? आर ओ आर. एंड द बैलेंसिंग फिगर इज 7,512, जो कि हम रिप्लेस्ड एसेट की बेस कॉस्ट से एडजस्ट कर सकते हैं. सो ये हमारा पहला गेन आ गया चार्जेबल इमीडिएटली 30,000 का. अब चलते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स की तरफ. सो ऑर्डिनरी शेयर्स की अगर हम बात देखें तो इसने 5,000 शेयर्स बेचे हैं बैकवर्ड पीएलसी के, और ये इसने खरीदे थे 9,000. फिर उसके बाद इसने फर्दर 500 शेयर्स खरीदे थे, और बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है. अच्छा जी, तो हमें ये पता है कि सेम डे परचेज का रूल लगता है, उसके बाद प्रीवियस 9 डे का रूल लगता है, और उसके बाद फिर पूल बनता है. तो इज देयर एनी सेम डे परचेज? देयर इज नो सेम डे परचेज. There is no previous 9 days purchase. So part 2 के लिए हमें share pool construct करना पड़ेगा. और क्योंकि ये corporation का case है तो share pool के लिए हमारे पास number होने चाहिए, cost होनी चाहिए, और indexed cost होनी चाहिए. तो सबसे पहले जो इसने शेयर्स खरीदे थे अप्रैल 1992 में 9,000 शेयर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 18,000. सो 9,000 शेयर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 18,000, उसकी इंडेक्स कॉस्ट भी क्या हो गई? 18,000. उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसने दोबारा शेयर्स खरीदे नवंबर 2019 में. तो उससे पहले हम इंडेक्सेशन एडजस्ट करेंगे 1.004 से. सो उससे पहले हमारा इंडेक्सेशन होगा, और इंडेक्सेशन होगा 18,000 × 1.004. तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 18,072. And the total value after inflation is 9,000 shares, 18,000 की इसकी original cost. And indexation के बाद इसकी cost हो गई 36,072. अच्छा जी, उसके बाद हमारा ये जो next purchase आई वो हमने इसके अंदर add कर दी. Next purchase was 500 shares. And the cost was 6,500. उसको ऐड कर दिया हमने 9,500 शेयर्स, 24,500 उसकी कॉस्ट आ गई, और इंडेक्स कॉस्ट आ गई 42,572. अच्छा जी, अगला जो इवेंट आ रहा है हमारा डिस्पोजल का, वो सब्सिक्वेंटली हुआ है उसी ईयर के अंदर. तो अब इंडेक्सेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंडेक्सेशन का फ्रीजिंग टाइम इसमें से निकल चुका है. तो नो इंडेक्सेशन. सो स्ट्रेट डिस्पोजल ऑफ शेयर्स. डिस्पोजल हुए थे 5,000 शेयर्स 62,500 के. तो 5,000 शेयर्स हमने इसमें से माइनस कर दिए. कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस हमारे पास आ गया 4,500 शेयर्स. 5,000 की इंडेक्स कॉस्ट 24,500 डिवाइडेड बाई 9,500 into 5,000. 1, 2,
8,895. Similarly, the index cost of 5,000 shares, 42,572 divided by 9,500 into 5,000, 22,406. तो ये आपके पास कैरिड फॉरवर्ड आ गए 24,500 माइनस दिस 11,605, 42 माइनस 22 20,21,66. ये हमने इसका टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब टेबल कंस्ट्रक्ट करने के बाद इसकी वर्किंग, तो सेल प्रोसीड थी 62,500 की, ओरिजिनल जो कॉस्ट हमने 5,000 शेयर्स की निकाली है वो आ गई 12,895. अनइंडेक्स्ड गेन और इसमें से इंडेक्सेशन अलाउंस एडजस्ट करना है पूल में से, वो हो जाएगा आपका 20,166 कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट माइनस कॉस्ट दोनों का डिफरेंस लिया। एक सेकेंड, ये तो कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस है, वो था आपका 22,406 So after indexation, हमारा जो गेन आएगा वो आएगा 40,094. तो ये दो एसेट्स हमने बेच दिए और दोनों का हमने गेन कैलकुलेट कर लिया। अब आ जाते हैं कॉर्पोरेट टैक्स लायबिलिटी की तरफ। सो टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट था 78,000 का। सो लेट्स वर्क आउट कॉर्पोरेट टैक्स लायबिलिटी। सो टैक्स एडजस्टेड प्रॉफिट 78,000, एक ही प्रोफॉर्मा में गेन ले लेते हैं। सो चार्जेबल गेन, चार्जेबल गेन हमारे पास जो आया था पहला वाला, फर्स्ट चार्जेबल गेन आया था 30,000, फर्स्ट चार्जेबल गेन 30,000, सेकेंड चार्जेबल गेन 40,094, टोटल हो गया 70,094। दोनों इनकम को ऐड कर लिया और ये आ गया आपके पास टीटीपी, क्योंकि क्यूसीडी तो कोई है नहीं। और इसके ऊपर इस साल का जो रेट है FY19 का वो है 148,094 मल्टीप्लाई बाय 19% एंड दैट इज 28,138। ड्यू डेट, एज फार एज ड्यू डेट इज कंसर्न, तो ड्यू डेज जो होती है आपकी वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आप की कंपनी लार्ज कंपनी है या स्मॉल कंपनी। तो इस कंपनी की अगर हम TTP देखें, ऑगमेंटेड प्रॉफिट देखें, तो वो 150,000 से कम आ रहा है, तो वो आ रही है 500,000 से कम, 1.5 मिलियन से कम। तो उसके अकॉर्डिंगली थ्रेशोल्ड के हिसाब से इसकी ड्यू डेट, ये ईयर एंड खत्म हो रहा है, इसका ईयर एंड खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020, तो डेट बनेगी 31 मार्च 2020, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 months इन वन डे, 1 January 2021, 9 months and 1 day, ये इसकी ड्यू डेट बन जाएगी, क्योंकि ग्रुप कोई कंपनी वगैरह इसके अंदर हमारे पास नहीं है। चलो जी, ये पहला सवाल का ए पार्ट हो गया, लेट्स मूव टू द अदर पार्ट। नेक्स्ट पार्ट सेज दैट एक्सप्लेन हाउ फॉरवर्ड लिमिटेड्स रोल ओवर रिलीफ क्लेम वुड हैव ऑल्टर्ड
If on 1st June 2019, it had acquired a leasehold office building on a 15-year lease for 300,000 rather than purchasing a freehold office building for 2,60,000. तो इसके आंसर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अगर ये 2,60,000 की जगह जो है वो पहला फर्क तो ये पड़ेगा कि जो इसका गेन आया था 37512 क्योंकि फुल री इन्वेस्टमेंट हो रही है फुल प्रोसीड इन्वेस्ट हो रही है फुल प्रोसीड इन्वेस्टेड और लीज्ड होल एसेट जो है वो डेप्रिशिएटिंग एसेट की कैटेगरी में आएगा इट्स अ डेप्रिशिएटिंग एसेट तो आपका फुल गेन जो होगा वो फ्रीज हो जाएगा यानी के 37512 जो होगा वो फ्रीज हो जाएगा कब तक के लिए फ्रीज हो जाएगा अर्लीएस्ट ऑफ 10 इयर्स डिस्पोजल एंड सेसेशन अर्लीएस्ट ऑफ 10 इयर्स डिस्पोजल ऑफ रिप्लेसमेंट एसेट and replacement asset cessation cease to be used इनमें से जो जो भी earlier date आएगी तो आप ये theory पूरी जो है depreciating asset की इसके अंदर लिखें तो आपको exam में उसके marks accordingly मिल जाएंगे चले जी so एक सवाल और कर लेते हैं corporation का पहली रिक्वायरमेंट सेज दैट एक्सप्लेन हाउ द इंडेक्सेशन अलाउंस कैन बी यूज्ड व्हेन अ कंपनी मेक्स अ कैपिटल लॉस और वेयर द इंडेक्सेशन अलाउंस इज ग्रेटर देन अ कंपनीज अनइंडेक्स गेन दो मार्क्स की थ्योरी तो मैंने ये बताया था कि लॉस के केस में इंडेक्सेशन इस्तेमाल ही नहीं हो सकता अगर लॉस आ जाए तो नो इंडेक्सेशन और दूसरी चीज मैंने ये बताई थी कि इंडेक्सेशन कैन नॉट क्रिएट लॉसेस सो अगर गेन होगा तो इंडेक्सेशन कैन नॉट क्रिएट लॉसेस तो इसका मतलब ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपका गेन आ रहा है 10,000 का और आपने इंडेक्सेशन अलाउंस निकाला और वो आता है 11,000 का तो वो आप 10,000 पे रिस्ट्रिक्ट करके इसको जीरो कर देंगे इंडेक्सेशन कैन नॉट क्रिएट लॉसेस तो ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा इट्स अ वेरी सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन नेक्स्ट कैलकुलेट द चार्जेबल गेन अराइजिंग फ्रॉम ईच ऑफ ल्यूनास ट्रांजेक्शन In share during the year ended March 2020, when calculating the chargeable gain arising from the disposal of shares in Pluto PLC, you should show full working from the share pool 8 marks. अब इसके accordingly हम सवाल पढ़ लेते हैं. Luna Limited had the following transactions in shares during the year ended 31st March 2020. On 20th November, Luna Limited sold its entire holding for 53,400. Luna Limited purchased 16,000 shares on 14 June. On 22nd May, sold 10,000 shares. Achha, yani ke isne pehle jo hai wo 10,000 shares beche. और उसके बाद इसने बाकी होल्डिंग बेच दी इंडेक्सेशन रेलेवेंट दिए हुए हमारे पास जिसमें से ये इंडेक्सेशन बेकार है उसके बाद अगले 12 फरवरी 2020 को ल्यूना लिमिटेड शेयर होल्डिंग इन एस्ट्रॉइड पीएलसी वाज टेकन ओवर बाय कॉमेट पीएलसी ल्यूना लिमिटेड हैड ओरिजिनल 10,000 शेयर्स एंड देयर इंडेक्स कॉस्ट वॉज 33,000 Under the terms of the takeover, for each of its one ordinary shares, Luna Limited received 6.50 in cash
plus one ordinary share in Comet PLC. Immediately after the takeover, Comet PLC's shares were quoted at 4.50. So, एक तो नॉर्मल शेयर्स का सवाल है और एक टेक ओवर में कैश मिला है तो उसका डिस्पोजल का सवाल है. चलिए जी इसको देख लेते हैं. तो पहले तो हम बात कर लेते हैं प्लूटो पीएलसी के शेयर्स की. तो प्लूटो पीएलसी का जो शेयर्स हमारे पास है उसके अंदर हमने ओरिजिनल परचेज की थी, 16,000 शेयर्स परचेज किए थे 36,800 के. तो सबसे पहले तो हम पूल बनाते हैं. नंबर, कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट. सबसे पहले तो हमारे पास जो ओरिजिनल परचेजेस थी वो 16,000 शेयर्स थे 36,800 के. 16,000 शेयर्स 36,800 एंड 36,800 एंड द डेट वाज 14 जून 2011. पहला डिस्पोजल आया मई 2013 में. पहला डिस्पोजल आया मई 2013 में. तो डिस्पोजल से पहले इंडेक्सेशन कैलकुलेट होगा. सो इंडेक्सेशन कैलकुलेट होगा, परचेज डेट है 14 जून, जून से मई ये वाला इंडेक्स होगा 0.063. सो इट इज 36,800 मल्टीप्लाई बाय 0.063 और इसकी कॉस्ट आ गई 2318. ये हमने डिस्पोजल से पहले नंबर ऑफ शेयर्स ले लिए 16,000 और 36,800 और इसमें से हमने ऐड कर दिया 39,118. उसके बाद हमने इसमें से 10,000 शेयर्स बेच दिए. अब 10,000 की जो कॉस्ट निकलेगी और 10,000 के बाद जो बाकी शेयर्स बचे 6,000, उसकी इंडेक्स कॉस्ट और उसकी नॉर्मल कॉस्ट. सो 36,800 डिवाइडेड बाय 16,000 इनटू 10,000, 23,000. डिस्पोजल की कॉस्ट आ गई 23,000. 39,118 डिवाइड बाय 16,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000. 24,449. सो कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस आ गया 13,800 और यहां पर आ गया 14,669. लेकिन ये बाकी 6,000 शेयर्स का है, ठीक है. अब सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, 29 नवंबर 2019 को बाकी शेयर्स भी बेच दिए. सो मई 13 से लेकर दिसंबर 17 फ्रीजिंग पॉइंट 0.112 दोबारा इंडेक्सेशन आएगा बिफोर डिस्पोजल और यहां पर अब हमारी इंडेक्स कॉस्ट पहुंच गई है 14669 जो बची हुई है और रेलेवेंट फैक्टर आ गया 0.112 का. तो कॉस्ट बढ़ जाएगी. और डिस्पोजल से पहले हमारे पास 6,000 शेयर्स थे, 13,800 उसकी कॉस्ट थी और इंडेक्स कॉस्ट हो गई 16312. फिर हमने इंटायर शेयर होल्डिंग बेच दी. तो 6,000 शेयर्स हमारे बिक गए, दैट बिकम जीरो. उसकी कॉस्ट थी 13,800 और उसकी इंडेक्स कॉस्ट थी 16312. ये हमारा पूल हो गया खत्म. अब हमने जो डिस्पोजल किया है, इस साल जो डिस्पोजल हमने किया है वो हमें देखना है. इस साल जो हमारा डिस्पोजल हुआ है वो हुआ है 53,400, क्योंकि हम इस साल का टैक्स निकाल रहे हैं तो पुराने वाला डिस्पोजल हम कंसीडर नहीं कर रहे. 53,400 उसकी कॉस्ट कितनी है,
उस डिस्पोजल की कॉस्ट है 13,800। सो ये आपके पास आ गया अन इंडेक्स्ड गेन एंड दैट इज 39,600। अच्छा जी, इस पर इंडेक्सेशन अलाउंस माइनस करेंगे, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स कॉस्ट एंड द कॉस्ट। सो 16312 माइनस 13,800 2512 एंड हमारे पास गेन आ गया 37,088। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब आ जाएं आप अगले वाले के पास, जो दूसरे वाली डिस्कशन है। नेक्स्ट, 12 फरवरी को ल्यूना लिमिटेड ने एस्ट्राइट लिमिटेड पीएलसी को टेकन ओवर किया, उसके पास 10,000 शेयर्स थे, उसकी इंडेक्स कॉस्ट थी 33,000 और एक ऑर्डिनरी शेयर मिला उसे और कैश मिला और 4.5। तो इंडेक्स कॉस्ट क्योंकि उसने निकाल के दी हुई है तो इंडेक्सेशन का तो मसला इसमें वैसे ही नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर पार्ट टू में हमारी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो हमें देखनी पड़ेगी कितनी थी ओरिजिनल कॉस्ट, और कंसिडरेशन जो हमें रिसीव हुई है वो हमें देखनी पड़ेगी। तो कंसिडरेशन जो हमें रिसीव हुई है वो निकाल लेते हैं पहले हम। तो कंसिडरेशन यहां पे दी हुई है, उसके पास 10,000 एग्जिस्टिंग शेयर्स थे और उसे कैश रिसीव हुआ है 6.50 पर 10,000 शेयर्स। सो नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास थे 10,000, कैश उसे रिसीव हुआ 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6.50 दैट इज 65,000 का उसको कैश रिसीव हुआ। अच्छा, ऑर्डिनरी शेयर्स जो उसको मिले हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स उसको मिले हैं 1:1। तो 1:1 का मतलब है 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स मिले और एक ऑर्डिनरी शेयर्स की मार्केट वैल्यू थी 4.5, तो ये आ गया 45,000। सो टोटल इसका फ्रैक्शन बन गया 1,10,000, 65,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000 एंड दिस। तो जो कैश कंपोनेंट है, ओरिजिनल कॉस्ट इसने जो दी हुई है, ओरिजिनल कॉस्ट थी नहीं दी हुई ना, डायरेक्ट इंडेक्स कॉस्ट दी हुई है 33,000 की। तो इंडेक्स कॉस्ट की एलोकेशन कर लेते हैं, एलोकेशन ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, तो कैश कॉम्पोनेंट के ऊपर इंडेक्स कॉस्ट की एलोकेशन होगी। 33,000 की इंडेक्स कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय 65,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000, तो ये एलोकेशन हो गई इसकी। एंड एलोकेशन रिजल्ट्स इन 19,500 एट्रीब्यूटेड टू कैश कंसिडरेशन। सो डिस्पोजल में कैश रिसीव कितना हुआ, कैश रिसीव हुआ 65,000 का, और इसकी जो कॉस्ट थी
जो इंडेक्स कॉस्ट नेट ऑफ डायरेक्ट आ रही है, डायरेक्ट गेन आएगा क्योंकि हम इसकी अलग अलग नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो डायरेक्ट इसकी हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 19,500, और ये आ गया हमारे पास गेन एंड दैट इज 45,500। सो इन दिस वे हमारा ये पार्ट